केजरीवाल सरकार की रीति नीति से प्रभावित होकर अधिक संख्या में युवा आम आदमी पार्टी में सम्मिलित हुए, जिसका सम्मान दुर्ग विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर एस के अग्रवाल ने किया। दुर्ग शहर के युवा केजरीवाल सरकार के कार्य से प्रभावित होकर छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने अधिक संख्या में भागीदारी ले रहे हैं। युवाओं ने पार्टी के प्रति अपना जज्बा बढ़ाते हुए कार्य करने तथा लोगों में केजरीवाल सरकार की गारंटी कार्ड और उपलब्धता को लेकर जनता तक पहुंचने का कार्य करने का निर्णय लिया, जिसमें मुख्य रूप से मेहरबान सिंह, यूथ विंग अध्यक्ष रजत पांडे, लक्ष्य निर्मलकर, राहुल त्रिपाठी सहित पार्टी के अनेकों सदस्य उपस्थित रहे। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज आम आदमी पार्टी में युवा शक्ति के रूप में करीब 42 बच्चे युवा साथी उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। साथ में हमारे साथ में राहुलकर जी हैं, जो कि केंद्रीय विद्यालय से रिटायर होने के पश्चात आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर इन्होंने भी आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। कुछ और लोग हमारे साथ में आज जुड़ने वाले थे, लेकिन किसी कारण वो लोग नहीं आ पाए, लेकिन कुल मिलाकर आज 43 लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। क्योंकि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी देश की एकमात्र तेजी से बढ़ती हुई पार्टी है और 10 वर्षों के अंतर्गत ही उसने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया है और दिल्ली और पंजाब में दो जगह सरकार बनाई है और गुजरात में तथा गोवा में भी उनके विधायक हैं। इस प्रकार इस साल जो 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी बड़े जोर शोर से चुनाव लड़ रही है और इनकी रीतियों से प्रभावित होकर, इनके घोषणा पत्र गारंटी पत्र से प्रभावित होकर इन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। आम आदमी पार्टी का परिवार बढ़ रहा है, कुनबा बढ़ रहा है। आज 40 युवाओं ने, जो सेक्टर एरिया के रहने वाले हैं, 40 युवाओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। ये कदम बताता है कि कितने युवा आम आदमी पार्टी की विचारधारा को पसंद करने लगे हैं और उस परिवार में शामिल होने के लिए सामने आ रहे हैं। आज जो बेरोजगारी और अन्य समस्याओं से युवा, देश का युवा जूझ रहा है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में, और वही युवा जो भटक रहा है, उनको, उन युवाओं को आम आदमी पार्टी में उनका भविष्य देता है और उसी के तहत, उसी कदम के तहत उन युवाओं ने आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। हर व्यक्ति का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जिस तरह से केजरीवाल साहब ने आम आदमी पार्टी का जो नाम रखे, एक्चुअली मैं देखता हूँ, अध्ययन किया हूँ कई पार्टियों का, निष्कर्ष पे यह लगता है कि ये पार्टी आम आदमियों के हित में कार्य करती है और जानकारी देती है। यही मेरा उद्देश्य रखकर आज मैं इस पार्टी को ज्वाइन किया हूँ, देखता हूँ आगे चल के। मेरा ऐसा अनुमान है, मैं एक शिक्षक हूँ और मैं हर पार्टी का एक निचोड़ निकाला हूँ, तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी का मुझे बहुत अच्छा लगा, जो आम आदमी के रक्षा करती है, सुरक्षा करती है और उनकी जो योजना में अमल करती है, मुझे अच्छा लगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी हर व्यक्ति ने ज्वाइन करना चाहिए। ऐसे एक संस्था में कार्य करता हूँ, केंद्रीय विद्यालय, वहाँ कई तरह के प्रांत के कर्मचारी रहते हैं और मेरे दोस्त यार है, पंजाब के भी है, दिल्ली के भी है, लेकिन उनसे मैं वार्तालाप करता हूँ, पूछता हूँ कि सचमुच जो केजरीवाल जो आह्वान करता है वो अमल करता है, तो मुझे उनसे वार्तालाप से और दोस्तों यारों से मालूम पड़ता है कि सचमुच वो अपने बातों में अमल करता है। इसलिए मैं चाहता हूँ ये पार्टी ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।